हेलो एवरीवन दिस इज कोमल योर एसएसटी एजुकेटर वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किंड से लेके क्लास ट्वेल्व तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम जैसे कि यूपी बोर्ड बिहार बोर्ड डेली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे प्रैक्टिस भी करते जाइएगा ई e बुक्स और ई e नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है तो भटकने की बात नहीं बनती है सो so, हम क्या करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे ठीक है चैप्टर के ऐसे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा लगते हैं हमें इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे क्यों क्योंकि जो आपकी न्यू बुक है उनमें थोड़े से जो क्वेश्चन एंड एक्टिविटीजनसीआर सोल्यूशन में जो क्वेश्चन दिए थोड़े से अलग है है ना वो आपको एक्सप्लोर कराना चाहते हैं कि आप खुद से कुछ कुछ कीजिए तो काफी जो क्वेश्चन चैप्टर के बीच के वो रह जाते हैं तो वो मैं लेकर आई हूं ठीक है तो फटाफट फड़ से आप क्या कर दीजिए पहले तो लाइक like कर दो ठीक है जल्दी जल्दी से लाइक like और शेयर कर दो फिर स्टार्ट करेंगे जल्दी जल्दी से लाइक like और शेयर कर दो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ठीक है पहला क्वेश्चन वही जो हमारा पैटर्न तो सेम ही चलेगा वेरी शॉर्ट शॉर्ट बुक न्यू है तो क्या पैटर्न तो वही है ना ठीक है वॉट आर दी वेदास फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है ये होते क्या हैं? तो बताओ जल्दी जल्दी याद है याद है कि भूल गए क्या क्या होते है? What are the vedas? क्या होते हैं? हैं वेदास आर एशियंट इंडियन टेक्स्ट भाई इंडियन टेक्स्ट हैं, बहुत पुराने प्राचीन इंडियन टेक्स है ना Oldest में से 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 एक माने जाते हैं, अब वेद कौन से, कौन से, चार टाइप वेद कौन कौन चार के हमें देखने को मिलते हैं कौन से कौन से ऋग्वेद मिलेगा है ना यजुर्वेद है है और अथर्ववेद है कंसिडर्ड स्क्रिप्चर्स क्या माना जाता है ओल्डेस्ट बहुत पुराने scriptures में से एक माना जाता है बहुत पुराने हैं प्राचीन और ऋग्वेद तो उसमें सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट है बाकी के जो वेद हैं वो फिर भी थोड़े से नए हैं बाद के हैं लेकिन ऋग्वेद बहुत पुराने हैं ठीक है तो ये होते हैं वेद चल क्वेश्चन नंबर टू हु कंपोज दैदिक हाइम्स वेदिक हाइम्स को कौन कंपोज करता था जल्दी बताओ वेदिक हाइम्स को कौन कंपोज करेगा राजा करेगा ट्रेडर करेगा साधु करेगा संत करेगा है ना ऋषिकास करेंगी या ऋषि ऋषिका दोनों ही करेंगे जल्दी बताओ कौन जो है हाइम्स को कंपोज करता था वैदिक हाइम्स को एनी आइडिया देखा था ना हमने ऋषि और ऋषिकाज ये लोग द हाइम्स वर कंपोज बाय ऋषिज मेल सेजेस एंड ऋषिकाज फीमेल सेजेस इन अर्ली संस्कृत है ना संस्कृत में होता था वो भी पुराने, पुरानी पुरानी संस्कृत काफी अलग थी कौन कंपोज करता था मेल सेजेस मेल सेजेस जो आ, ऐसे साधु संत मेल है ना और फीमेल सेजेस औरतें भी रहती होंगी साधु संत जिनको हम क्या बोलते हैं ऋषि का ठीक है चलो क्लियर हुआ ओके क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट डस जैनिज्म फोकस ऑन जैनिज्म किस चीज में फोकस करते हैं है ना जैनिज्म का फोकस किस चीज में है इस धर्म का है ना वो हमें बताना है जैनिज्म फोकसेस ऑन प्रिंसिपल्स लाइक अहिंसा अनेकांतवदा और अपरिग्रह मतलब किस किस चीज में फोकस करते अहिंसा क्या होनी चाहिए अहिंसा होनी चाहिए भाई किसी के साथ वॉयलेंस मत करो है ना हिंसा मत करो नॉन वॉयलेंस ठीक है अनेकवादा मतलब मल्टीपल प्रस्पेक्टिव है ना सच को जानने के बहुत अलग अलग क्या है प्रस्पेक्टिव रहते हैं है ना अलग अलग प्रस्पेक्टिव रहेंगे अगर मैं जो बोलूंगी मैं मुझे लगेगा कि नहीं नहीं मैं जो बता रही वही सही है तो नहीं अलग अलग प्रस्पेक्टिव रहते हैं ठीक है ठीके? उसको बोलते हैं अनेकांतवदा फिर ग्रह मतलब नॉन पॉजिटिव नॉन पॉजिशन जो हमारा रहता है ना चीजों को लेके मटेरियलिस्टिक चीजों को लेके तो वो ना हो ठीक है कि इस अरे तो तो सब मोह मोह माया माया है है के चक्करों में में पड़ो तो किन किन चीज़ों फोकस है? क्या क्या चीजें हो गई हमारी अहिंसा जिसको नॉन वॉल बोलते हैं अनेकवदा यानी मल्टीपल प्रस्पेक्टिव और अपरिग्रह यानी नॉन पॉजिटिव क्लियर चल क्वेश्चन फोर हु सिद्धार्थ गौतम एंड महावीरा सिद्धार्थ गौतम और महावीरा कौन थे सिद्धार्थ गौतम और महावीरा कौन थे सिद्धार्थ गौतम नोन एज दी बुद्धा वाज अ प्रिंस हु अटेंड इनलाइटनमेंट एंड टॉट अबाउट सफरिंग सिद्धार्थ गौतम भाई बुद्ध भगवान जिनको हम बोलते हैं वो पहले प्रिंस थे है ना एक राजकुमार थे वो राजकुमार थे लेकिन उन्होंने क्या करा घर बार सब मोह माया त्याग दी और नॉलेज की तलाश में निकल पड़े नॉलेज उन्होंने हासिल करा इन्लाइटनमेंट मिली उन्हें एंड टॉट अबाउट सफरिंग और उन्होंने सफरिंग के बारे में बताया किसके बारे में सफरिंग के बारे में, में बताया कि इंसान क्या करता है इंसान अगर लालच में रहता है या इंसान अटैच रहता है तो क्या करता है सफ़र करता है क्यों क्योंकि इंसान के अंदर क्या रहती है डिज़ायर रहती है चीज़ों को पाने की इच्छाएँ रहती हैं उम्मीद रहती है तो वो नहीं रखनी चाहिए महावीरन ऑल्सो नोन एज़ प्रिंस वर्धमान महावीरा इनको क्या बोलते थे प्रिंस वर्धमान ये भी प्रिंस थे ठीक है ये भी प्रिंस थे वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म जो किसके फाउंडर थे जैनिज्म के फाउंडर थे जैन धर्म के नोन फॉर अटेंडिंग सुप्रीम विजडम इनको क्यों जाना जाता है कि भाई इन्होंने सुप्रीम नॉलेज हासिल कर लिया था क्या हासिल कर लिया था चरम एक परम जो है सत्य को हासिल कर लिया था सुप्रीम नॉलेज इन्होंने हासिल कर लिया था ज्ञान ठीक है किसकी बात देखिए हमने सिद्धार्थ गौतम और महावीरा दोनों ही प्रिंस थे सिद्धार्थ गौतम बुद्ध धर्म को लेकर आए और जो महावीरा है वर्धमान महावीर लेकर आए जैन धर्म को क्लियर द टर्म कर्म एंड धर्म रेफर टू जो टर्म है कर्म और धर्म क्या बताता है कर्म और धर्म ये टर्म हमें क्या बताता है जल्दी जल्दी से बताइए क्या लगता है क्या बताता है चल देखते कर्म इज द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन एक्शन इन्फ्लुएंसिंग वंस फ्यूचर एक्सपीरियंसिस धर्म रिफर्स टू ड्यूटी और राइटियसनेस गाइडिंग मोरल कंडक्ट इन लाइफ कर्म जैसे मुझे कर्मा अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा ठीक है जैसा बोगे वैसा काटोगे वही वाली बात है ना लोगों की मदद करोगे लोगों के दुखों के समझोगे अच्छा करोगे तो आपके साथ भी फ्यूचर में अच्छा होगा लोगों के साथ बुरा करोगे लोगों को दुख दोगे तो आप भी आगे चल के दुखी होंगे आपको भी दुख भोगना पड़ेगा वही वाली बात है ना एक्शंस कि भाई आपके काम कैसे आपके एक्शंस और उसका असर जो आपको फ्यूचर में फिर देखने को मिलेगा तो वो है कर्म कर्मा इज़ द प्रिंसिपल ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इन एक्शंस इन्फ्लुएंसिंग वन फ्यूचर एक्सपीरियंसिस धर्म मतलब आपके अच्छे काम आप जो क्या करते हो अच्छे काम करते हो अच्छे काम जो आपके मोरल कंडक्ट है लाइफ में है ना आप ईमानदार रहते हो आप ऑनेस्ट रहते हो ठीक है आपके एथिक्स बेसिकली ठीक है अच्छे कर्म तो ये किस में आते धर्म में ठीक है चल वॉट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रुथ इन वैदिक कल्चर एंड वॉट वॉज द रोल ऑफ क्लाइंस इन अर्ली वैदिक सोसाइटी क्या इंपॉर्टेंस थी है ना सत्य की ट्रुथ की क्या इंपॉर्टेंस थी जो वैदिक कल्चर में और वॉट वॉज द रोल ऑफ क्लैन्स इन अर्ली वैदिक सोसाइटी जो पहले की वैदिक सोसाइटीज थी उसमें क्लैंस का क्या रोल था क्लैंस और जन्स ना जनाज और क्लैंस इनका क्या रोल था ये दोनों क्वेश्चन के हमें आंसर करने विद गॉड एम्फेसाइजिंग यूनिटी अमंग पीपल ट्रुथ कैसा माना जाता था भाई महत्वपूर्ण ट्रुथ तो होना ही चाहिए सत्य बोलना ही चाहिए सत्य होना ही चाहिए और इसको कैसा माना जाता था भगवान के बराबर है ना एम्फेसाइजिंग यूनिटी अमंग पीपल जिसके कारण क्या हो लोगों में एकता रहेगी है ना सत्य बोलो सत्य का साथ दो है ना ईश्वर के बराबर जो सत्य बोलता है वो ईश्वर के बराबर होता है, है ना किसी को धोखा नहीं देता झूठ नहीं बोलता क्लैंस और जनाज व लार्ज ग्रुप ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी मेंशन इन द रिग्वेद क्लैंस और जनाज क्या है बड़े बड़े जो ग्रुप रहते थे ऑर्गेनाइजिंग सोसाइटी के है ना उस टाइम पे समाज था सोसाइटी थी वैदिक काल में है ना तो जनाज और क्लैंस बोलते थे मैं रिग्वेद जो किसमेंशन है रिग्वेद में किसमें रिग्वेद में जो मैं क्लियर चलो हाउ डिड ट्राइब्स व्यू नेचर ट्राइबल पीपल नेचर को कैसे देखते थे ट्राइबल पीपल प्रकृति को किस तरीके से देखते थे ट्राइब्स रिगार्डेड एलिमेंट्स ऑफ नेचर एज सेक्रेट ऑफन वर्शिपिंग डाइटीज एसोसिएटेड विद देम। ये क्या मानते थे नेचर की चीजों को भाई पवित्र कि पहाड़ है बड़ा ही पवित्र है ये नदी है बहुत पवित्र है उनकी पूजा करते थे ऑफन वर्शिपिंग डाइटीज एसोसिएटेड विद देम और नेचर से जुड़े हुए जो देवी देवता हैं उनकी पूजा भी करा करते थे जैसे पर्वत के देवता की, की पूजा कर ली मतलब पहाड़ की पूजा कर रहे हैं पेड़ की पूजा कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं क्योंकि उसको पवित्र मान रहे हैं ठीक है चल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन व्हाट आर देदास वॉट इज देयर मैसेज वेदास क्या होते हैं और उसके मैसेजेस क्या हैं? है ना वेदा का मैसेज क्या है और वेदा होता क्या है ये हमें बताना है द वेदस आर एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ इंडिया कंसिस्टिंग ऑफ फोर कलेक्शंस वेदस क्या है सबसे पुराने जो टेक्स्ट माने जाते हैं इंडिया के है ना जिसमें चार वेद हमें देखने को मिलते हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद ये वेद हमें चार देखने को मिलते हैं दे कंटेन हाइम्स कंपोज बाय ऋ एंड ऋषिकाज अड्रेसिंग डाइटीज एंड एम्फेसाइजिंग वैल्यूज लाइक ट्रुथ एंड यूनिटी अमंग पीपल ये क्या कंटेन करते हैं इनमें हमें हाइम्स मिलेंगे क्या मिलेंगे इनमें हाइम्स मिलेंगे जो कौन कंपोज करता है वही साधु संत ऋषि ऋषिकाज और ऋषि है ना फीमेल जो सेजेस और मेल सेजेस ये मिलके हाइम्स बनाते प्रेयर करते हैं भगवान की अड्रेसिंग डाइटीज एंड एम्फेसाइजिंग वैल्यूज लाइक ट्रुथ एंड यूनिटी अमंग पीपल क्या करते हैं ये है हाइम्स में भाई देवी देवताओं को पूछते हैं उनकी प्रेयर करते हैं और किस चीज़ पर फोकस डालते हैं किस चीज़ को भाई फोकस रहता है इनका एम्फेसाइज़ करते सच सच्चाई में सत्य में और लोगों के बीच में क्या हो एकता हो यूनिटी हो ठीक है तो ये सब इसमें मेंशन रहता है क्लियर कंपोज कौन करते हैं Female, फीमेल ऋषि और मेल मतलब फीमेल सॉरी ऋषिकास और मेल ऋषि क्लियर चलो क्वेश्चन नाइन वॉट न्यू स्कूल्स ऑफ थाट इमर्ज इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम बी सी व्हाट आर देअर कोर प्रिंसिपल कौन से नए जो स्कूल थे थाट के वो इमर्ज हुए इंडिया में आए लगभग फर्स्ट मिलेनियम बी सी है ना बिफोर कॉमन एरा फर्स्ट मिलेनियम बी सी लगभग आप ही समझ लो हजारों सालों पहले की बात हो रही है व्हाट आर देयर कोर प्रिंसिपल्स उन जो स्कूल ऑफ थाट आए थे है ना उनके कोर सिद्धांत प्रिंसिपल क्या थे कुछ तो उनका मेजर मुद्दा होगा क्या प्रिंसिपल थे वो बताना है

इंटरकनेक्टेडनेस कि भाई जो भी सारे जीव है क्वीचर है एक दूसरे पे डिपेंडेंट है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कर्म की बातें करते थे कर्मा की बात करते थे कि अच्छे एक्शंस रहेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा है ना रीबर्थ की बात करते थे कि भाई आपका पुनर्जन्म होगा ठीक है इस तरीके से अहिंसा की बातें करते थे कि नॉन वायलेंस होना चाहिए किसी के साथ अहिंसा नहीं करना चाहिए एंड स्पिरिचुअल रियलाइजेशन खुद का खुद की रियलाइजेशन सेल्फ कॉन्शियसनेस तो ये सब इनमें है ठीक है चलो क्योंकि भाई स्कूल ऑफ थॉट है तो यहाँ पे जो है ना हाई लेवल की बातें इंटेलेक्चुअल बातें है ना जो मतलब आम इंसान तो एकदम से बस सोच ही सकता है कर पाता नहीं इतना आसान नहीं होता ठीक है चलो क्वेश्चन टेन वॉट इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस टू इंडियन कल्चर हमारे भारतीय कल्चर में भारतीय संस्कृति में फोक और ट्राइबल ट्रेडिशंस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है ठीक है फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशंस हैव एन इंडियन कल्चर थ्रू दे यूनिक डायटीज़ रिचवल्स एंड ओरल ट्रेडिशन्स मतलब इन्होंने भी ये जो ट्राइबल पीपल या फोक पीपल की बात करें ट्रेडिशंस की तो इनके भी अपने देवी देवताएं रहे है ना इनके भी अपने अपने भगवान डाइटीज़ रहे जिनको ये पूछते थे जिनको ये मानते थे इनकी भी अपनी अपनी यूनिक परम्पराएँ रही अपना यूनिक कल्चर रहा है जैसे हमारे कल्चर रहते हैं तो इनका भी कल्चर रहता है जो कि हमसे बहुत अलग होता है ठीक है फोक एंड ट्राइबल ट्रेडिशन हैव एनरिच इंडियन कल्चर भाई जिसके कारण हमारे इंडियन कल्चर में क्या ये है डाइवर्सिटी आई है एनरिच करा है है ना थ्रू देयर यूनिक डाइटीज़ है ना रिचुल्स एंड औरल ट्रेडिशन इनके ट्रेडिशन कैसे रहे औरल क्योंकि ट्राइबल ग्रुप था ऐसा कुछ रिटर्न का तो ऐसा कुछ रहता नहीं था कि लिख लिया फिर इनकी बुक किताबें हैं तो उनको हम पढ़ रहे हैं? नहीं जनरेशन टू जनरेशन कैसे पास कर रहे हैं ओरली दे हैव इंटरेक्टेड विद मेन स्ट्रीफ हिंदुज्म कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स वर्शिप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स एंड डाइटीज लाइक जगन्नाथ इनका इंटरेक्शन टाइमली टाइम टू टाइम हिंदुज्म से होता रहा है है ना मतलब हम इनको बोल रहे हैं जो ट्राइबल पीपल है इनका दूसरे लोगों से टाइमली इंटरेक्शन होता रहा है मतलब कुछ इन्होंने इनसे ग्रैप करा कुछ इन्होंने इनसे सीखा दोनों के ही कल्चर ट्रेडिशन में या भगवानों की हम बात करें तो दोनों ने दोनों से कुछ ना कुछ लिया है ऐसा ठीक है हम ये नहीं कहेंगे कि दोनों का दोनों से कोई कनेक्शन ही नहीं है ठीक है कॉन्ट्रीब्यूटिंग एलिमेंट्स सच एज वर्शिप ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स एंड डाइटीज लाइक जगन्नाथ जैसे जो जगन्नाथ कर्ल्ड की हम बात करते हैं तो ये ट्राइबल माने जाते हैं ट्राइबल डाइटी माने जाते हैं आदिवासियों की देवता माने जाते हैं लेकिन नहीं आज हम भी इनको इंपॉर्टेंट मानते हैं है ना इंदुज में हम इनको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं जबकि इनको पहले किसने पूजा था किसके भगवान थे आदिवासी ग्रुप के ठीक है तो हमने क्या करा हम भी उन पर डिपेंड हुए ना कुछ हमने भी उनसे चीज़ें ली ऐसे कुछ हमारी चीजें भी वो लेते होंगे ग्रैब करते होंगे ठीक है तो एक दूसरे पे डिपेंड रहे कनेक्टेड रहे शुरू से इंट्रेक्शन रहा है क्लियर तो हमारे इंडियन कल्चर में किनका फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन का पूरा पूरा जो हम कह सकते हैं अच्छा खासा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है चल क्वेश्चन इलेवन कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ इंडिया और सम अदर कंट्रीज वेयर बुद्धिज्म इज़ अ मेजर रिलीजन इवन टूडे ट्राई टू प्लॉट दीज ऑन अ वर्ल्ड मैप ये तो चलो वर्ल्ड मैप में आप लॉट करोगे आपको बस सीधे सीधे सिंपल सिंपल ये बताना है कुछ स्टेट्स या कंट्रीज के नेम है ना इंडिया के स्टेट्स और कंट्रीज के नेम जहाँ पे बुद्धिज्म मेजर रिलीजन है आज भी है ना जब बुद्ध धर्म को माना जाता है, है ना जहाँ पे बुद्धिज्म लोग का रिलीजन है तो ऐसे ही हमें इंडिया के कुछ स्टेट्स के अंदर जगह बतानी है और हमें कुछ कंट्रीज के भी एग्जाम्पल्स से बताना है ठीक in कौन से, कौन से है तो ये जगह हमारे इंडिया के अंदर की जहां जहाँ हमें क्या बुद्धि बुद्ध धर्म देखने को मिलता है सिक्किम अरुणाचल प्रदेश लद्दाख है ना महाराष्ट्र जिसमें रीजन जैसे नागपुर हिमाचल प्रदेश धर्मशाला कंट्रीज कौन सी कौन सी कंट्रीज में बुद्धिज्म देखने को मिलता है थाईलैंड म्यांमार बर्मा श्रीलंका भूटान नेपाल जापान तिब्बत मंगोलिया वियतनाम साउथ कोरिया यहाँ पे हमें बुद्धिज्म देखने को मिलता है थाईलैंड हो गया म्यांमार हो गया बर्मा जिसे पहले बोलते थे श्रीलंका भूटान नेपाल जापान तिब्बत मंगोलिया वियतनाम साउथ कोरिया है ना एशियन कंट्रीज पर ही ऑब्वियसली रहा है चल क्वेश्चन ट्वेल्थ डिस्क इन क्लास द कोटेशन ऑफ द बुद्धा विच बिगिन विद नॉट बाय वॉटर इज वन मेड प्योर दो मैनी पीपल मे बात हेयर इन सेक्रेट रिवर्स टू मेक श्योर दैट इट्स मीनिंग हैज बीन अंडरस्टूड बाय ऑल बुद्धा ने एक बात कही थी है ना क्या कही थी कि नॉट बाय वॉटर इज वन मेड प्योर उन्होंने एक बात कही थी कि सिर्फ पानी से पानी में नहा के नदियों में नहा के कोई प्योर नहीं हो जाता दो मे पीपल में मतलब जो लोग हैं हालांकि जो क्या करते लोग पवित्र नदियों में नहाएंगे गंगा नदी में जा रहे हैं नहाने पाप धुल जाएंगे नहीं ऐसा नहीं होता सिर्फ नहाने से पाप धुल जाते तो बात ही क्या थी टू मेक श्योर दैट इट्स मीनिंग हैज बीन अंडरस्टूड बाई ऑल तो इसको हमें एक्सप्लेन करना है और ये मेक श्योर sure करना है कि सबको इसका मीनिंग समझ में आए है ना चलो This quotation from the Buddha emphasizes that true purity and spiritual cleanliness do not come from external rituals such as bathing in sacred rivers but from internal virtues and actions. It teaches that inner qualities like truthfulness, compassion, and ethical behavior are what truly purify a person. Discussing this in class can help students understand that spiritual practices should focus on personal growth and moral integrity rather than mere रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज द कोर्ट इनकरेजेस इंडिविजुअल्स टू सीक प्योरिटी थ्रू सेल्फ डिसिप्लिन काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्टिंग द कोर वैल्यूज ऑफ बुद्धिज्म मतलब ये जो पूरा है इसको मैं समझा देती हूँ अभी अच्छे से अभी समझाऊंगी ऑल इन ऑल इसकी समरी अगर मैं बताऊँ तो यही बोलना चाह रहे हैं कि सिर्फ नदियों में नहाकर है ना ऐसे गंगा जल छिड़क के ऐसे पवित्र नहीं होता है इंसान इंसान को अच्छे काम करने पड़ते हैं है ना इंसान को ईमानदार रहना पड़ता है अच्छा सोचना पड़ता है अच्छे कर्म करने पड़ते हैं सिर्फ नदियों में नहाने से गंगा जल छिड़कने से अगर कुछ होता तो फिर बात ही क्या थी तो अगर हम एक क्लास में डिस्कस करें तो इससे बच्चे समझेंगे कि इंसान की प्योरिटी किससे होती है उसके विचारों से उसके विचार कितने शुद्ध हैं उसके कर्म कितने अच्छे हैं उससे ठीक है तो दिस कोटेशन फ्रॉम बुद्ध एम्फेसाइज द ट्रू प्योरिटी सच्ची जो प्योरिटी है यह आध्यात्मिक है ना शुद्धता कैसे आती है ये rituals, ये एक्सटर्नल रिचुअल्स बाहरी जो जो रिवाज बाहर बैठ के पूजा कर रहे हैं मंदिरों में बैठे के घंटा दो दो घंटा और दूसरे के लिए पाप है गुस्सा आ रहा है कि अरे यार मुझे पड़ोसन में बहुत गुस्सा आता है मुझे मेरे क्लासमेट में बहुत गुस्सा आता है नहीं और बिहार बैठ के पूजा करें क्या फायदा जैसे मंदिर जाते ना आंटी लोग पूजा करती रहती है और बातें इधर उधर की अरे पता है वो तो वहां गई थी उसने ऐसा करा यहाँ जल चढ़ा रही और बातें इधर उधर की करी तो ऐसा क्या फायदा भाई चुपचाप पूजा करके जाओ बाहर जाके बात कर लो ना आप बिल्कुल इतना भी सबर नहीं है कि जल चढ़ा रहे हो भगवान में और पूजा कर रहे हो जो भी रिचुअल मैंने देखा है खुद ठीक है दिस कोटेशन फ्रॉम बुद्ध एम्फिसाइस इज ट्रू प्योरिटी स्पिरिचुअल क्लीननेस इज डू नॉट कम फ्रॉम एक्सटर्नल रिचुअल बाहरी रीति रिवाजों से तो नहीं होने वाला जैसे आप नहा रहे हो गंगा स्नान वगैरह कर रहे हो बट फ्रॉम इंटरनल वर्च एंड एक्शन लेकिन जो आप आंतरिक तौर पे जो आप खुद से अच्छे काम कर रहे हो आपकी थॉट प्रोसेस उससे आता है इट टीचेस दैट इनर क्वालिटीज लाइक ट्रुथफुलनेस कंपैशन एंड एथिकल बिहेवियर आर वॉट ट्रूली प्योरीफाई पर्सन ये हमें बताते हैं कि इंसान को शुद्ध क्या बनाते हैं आपकी अच्छी क्वालिटीज अच्छी क्वालिटीज कौन सी सत्य बोलने की ईमानदार रहने की दयावान रहने की दूसरे के लिए दयालु दया भाव होना चाहिए है ना दूसरे के लिए दया नहीं है क्या फायदा है सभी आप दयावान रहे दूसरे पर दया करें सत्य बोले सच बोले ईमानदार रहे है ना तो यही है जिससे इंसान को ट्रूली हम कह सकते हैं हाँ भाई वो शुद्ध इन डिस्कसिंग दिस इन क्लास कैन हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द स्परिचुअल प्रैक्टिस शुड फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड स्परिचुअल प्रैक्टिसज मॉरल इंटीग्रिटी रादर देन मोर रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज अगर हम एक क्लास में डिस्कस करते हैं तो ये बच्चों को क्या सिखाएगा ये अच्छी बातें सिखाएगा है ना कि आपको किस में फोकस करना चाहिए अपनी पर्सनल ग्रोथ में ये मत देखो कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ ये कर रहा हूँ ठीक है करो पूजा पूजा के लिए कोई मना ही नहीं पूजा करो आप मस्जिद जाते हो नमाज पढ़ो आप गुरुद्वारे जाते हो वहाँ जाओ प्रेयर करो जो करना है करो लेकिन अंदर से शुद्ध हो कि नहीं आपके जो थाट है दूसरों के लिए कोई जलन या गुस्सा तो नहीं भर के बैठे हो कि जा रहे हो भाई प्रेयर कर रहे हो

अगर हम आप प्योरिटी आपको सीख करनी है आपको प्योरिटी शुद्ध होना है तो आप सेल्फ डिसिप्लिन रहो है ना पहले तो आप खुद को इतना मतलब इतना डिसिप्लिन मतलब बनाओ कि ये मत सोचो कि अरे मुझे अगर कुछ गोल अचीव करना है कुछ अच्छा करना है तो ये नहीं सोचना है कि अरे दूसरा क्या सोचेगा अरे यार आज नहीं कल नहीं ये नहीं डिसिप्लिन में रहो ठीक है दयावान रहो काइंडनेस दिखाओ समझ समझदारी दिखाओ दूसरों को समझो रिफ्लेक्टिंग द कोर वैल्यूज़ ऑफ बुद्धिज्म जो क्या रिफ्लेक्ट करती है बुद्धिज्म की कोर वैल्यूज यही तो बताता है बुद्धिज्म यही तो बताया जाता है बुद्धिज्म में है ना क्लियर हुआ तो ये कोर्ट का मतलब समझ में आया कि बाहरी दिखावे बाहरी चीजों से कर्म से कुछ नहीं होता अंदर से मन भी पवित्र होना चाहिए तब जाके बाहर जो कर रहे हो वो अच्छा भी लगेगा है ना पूजा कर रहे हो वाकई में आप मंदिर में दो दो घंटे बैठे हो या आप पूजा कर रहे हो चर्च जा रहे हो वहाँ बैठे हो काम कर रहे हो कोई दिक्कत नहीं मन में भी अगर साफ शुद्धता है तो कोई दिक्कत नहीं वहाँ बैठ के दिख रहे हो भक्त इंसान अच्छे और मन में पाप है कोई मतलब नहीं ठीक है चल क्वेश्चन थर्टीन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन एक्सप्लेन अंट्रल आइडियान करने है और फिर उसके बाद उन पर कॉमेंट करना है टिप्पणी है देनी है अहिंसा नॉन वायलेंस द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वस इज द फाउंडेशन ऑफ जेन एथिक्स जो प्रिंसिपल है सिद्धांत किसका अहिंसा का जो अहिंसा का सिद्धांत है, है ना वो क्या है फाउंडेशन है जैन एथिक्स का जैन एथिक्स का क्या है फाउंडेशन है नीव है जरूरी है मतलब बहुत ज़रूरी है इट एक्सटेंस बियॉन्ड फिजिकल नॉन वायलेंस टू इंक्लूडिंग नॉन वायलेंस इन थॉट एंड स्पीच नॉन वायलेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि अरे किसी पे हाथ मत उठाओ किसी को मारो नहीं ये वाला नहीं इसके साथ साथ आपकी जुबान है ना आपकी सोच अगर आपकी सोच में दूसरों के लिए क्रूरता है गुस्सा है जलन है या आप अपनी जुबान से किसी को गलत गंदा बोल रहे हो तो ये भी नॉन वायलेंस का मतलब ये भी वायलेंस का ही पार्ट है हाँ वो बात और है कि फिजिकल नहीं कि आपको मारते हुए नहीं दिख रहे पकड़ते हुए नहीं दिख रहे है ना ये करते हुए नहीं दिख रहे लेकिन ये भी वायलेंस का पार्ट है अगर आप किसी के लिए गलत बोलोगे है ना गंदा बोलोगे या किसी के लिए जो है जलन रखोगे है ना बुरा सोचोगे तो इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड फिजिकल नॉन वायलेंस मतलब फिजिकल नॉन वायलेंस से और ऊपर हट के बात क्या है इट इंक्लूड नॉन वायलेंस इन थॉट आपके विचारों में आपकी स्पीच है ना उसमें भी अहिंसा अच्छी बातें होनी चाहिए अच्छी बातें बोलो ना किसी के लिए गलत मत सोचो जैन बिलीव इन नॉट हार्मिंग एनी लिविंग बींग एज ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ आर इंटरकनेक्टेड जो जैन थे वो क्या बिलीव करते थे उनका ये मानना था जैनज में कि किसी पर अत्याचार मत करो किसी भी क्रीचर को हार्म मत पहुंचाओ किसी भी प्लांट को किसी भी एनिमल को किसी को भी किसी भी इंसान को जीव को हार्म मत पहुंचाओ ये सब क्या है आप सब इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से जुड़े हुए हो ठीक है अनेकांतवदा दिस प्रिंसिपल एम्फेसाइजेज दैट इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन बी व्यूड फ्रॉम मल्टीपल परस्पेक्टिव्स अनेकांतवदा का मतलब ये है ये बताता है हमें कि जो सच्चाई है जो रियलिटी है वो कैसी जटिल है रियलिटी बहुत जटिल है मतलब अगर आप सोच रहे हो कि एक ही तरीके से जो आप देख रहे हो वही सच है तो नहीं अलग अलग प्रस्पेक्टिव है अलग अलग, अलग आपके विजन हो सकते हैं हो सकता है आपके लिए रियलिटी कुछ और है मैं बत, मेरे लिए रियलिटी कुछ और होगी तो मल्टीपल व्यूज़ हैं और एक दूसरे के व्यूज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ये नहीं कि नहीं मैंने जो बोला वही मतलब वही ऐसा नहीं होना चाहिए नो सिंगल व्यू पॉइंट कैन रिप्रेजेंट द कंप्लीट ट्रुथ कोई भी सिंगल एक व्यू पॉइंट अगर आप लेकर आ गए तो वो हमें कंप्लीट ट्रूथ नहीं बता पाएगा कि हाँ यही कंप्लीट सच है यही सच्चाई है दिस फोस्टर्स टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग टू डिफरेंट ओपिनियंस एंड बिलीव्स जो किस चीज़ को बढ़ावा देता है ये बढ़ावा देता है कि हाँ भाई आप इस चीज़ की रिस्पेक्ट कर रहे हो कि वाकई में सबके अपने अपने व्यूज़ हैं है ना अपनी अपनी थॉट थॉट प्रोसेस है है ना तो आप सबकी रिस्पेक्ट कर रहे हो यानी आप उसके प्रति क्या हो टॉलरेबल हो है ना यानी आप में क्या है दूसरे के लिए धैर्य है अंडरस्टैंडिंग है है ना बिलीफ है क्लियर पता चले चार लोग बैठे कोई कुछ बता रहा है तो आप नहीं नहीं जो मैंने बताया वही सही है ये तो तीनों मुझे मेरे दुश्मन ही लग रहे हैं कितने बुरे हैं जो मैं बोल रहा हूँ उसे मान ही नहीं रहे क्योंकि मैं ही सही हूँ नहीं वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं वो भी अपनी जगह सही हो सकते हैं तो आपको क्या करना है एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू की रिस्पेक्ट करनी समझना है तो यही इसमें बताया गया है ठीक है कि अनेकांतवदा की क्या होती है रियालिटी बहुत कॉम्प्लेक्स होती है जिसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स होते हैं मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होते हैं क्लियर चल अपरिग्रह दिस प्रिंसिपल एडवोकेट्स फॉर डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजिशंस एंड डिजायर्स इट इनकरेजेस अ लाइफ ऑफ सिम्प्लिसिटी एंड कंटेनमेंट फोकसिंग ऑन स्परिचुअल ग्रोथ रदर दैन मटेरियल एक्यूमुलेशन अपरीग्रह क्या बताता है हमें डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल पोजिशंस एंड डिज़ायर्स मतलब ये जो हमारे अंदर इच्छा जागती रहती न, जो है ना डिजायर्स जो इच्छाएं हमारे अंदर भर भर के कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ ये भी चाहिए सही बात है वो रहती है मुझ में भी है आप में भी है, वो रहती है अब इनसे ही तो डिटैच करने को बोल रहे हैं कि छोड़ दो ये सब मोह माया कि अरे यार अभी फ़ोन लिया तो अब दूसरा लेंगे अब ये लेंगे उसने खरीदा तो मैं भी ये खरीदूंगी है ना डिज़ायर रख रहे हैं या अटैचमेंट रख रहे हैं ये कुछ मत रखो इट इनकरेजेस अ लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी एंड कंटेनमेंट अगर आप इन चीजों को छोड़ दोगे ये डिजायर इच्छा है ये जो मटेरियल पोजेशन है इनकी इन चीजों की लोभ मोह माया छोड़ दोगे तो आप कैसे रहोगे एक सिंपलिसिटी रहेगी आपकी जिंदगी में जो कि बहुत अच्छी है सिंपल लिविंग भी बहुत अच्छी मैंने बताया था ना शायद आपको जब मैं चैप्टर पढ़ रही थी कि मैंने ऐसे लोग भी देखे जो सच में बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं लेकिन नहीं खरीदना उन्हें कुछ ऐसा नहीं खरीदना बोलते हैं, हम क्यों शो ऑफ करें हमें नहीं चाहिए जब जरूरत लेकिन हम खरीदेंगे ना हम किसी को दिखाने के लिए थोड़ी कमा रहे हैं तो ये भी ठीक है और कुछ है कि थोड़ा कमाएँगे फटाक से ले लेंगे भी चीज़ें ये भी हो जाना चाहिए वो भी होना चाहिए दिखावा वैसे असली में जो रियल में जो रिच होते हैं ना जो उनके पास पैसा होता है वो लोग कभी शो ऑफ करते ही नहीं है उनको पता है और जिनके पास आता है थोड़ा बहुत तो वो करते हैं शो ऑफ ये सच बात है फोकसिंग ऑन स्पिरिचुअल ग्रोथ किस पर फोकस करना चाहिए आध्यात्मिकता में है ना स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे काम करो अच्छा सोचो बढ़िया मेडिटेशन वगैरह करो ये जो मटेरियल एक्यूमिलेशन है कि ये भी खरीद लूँ वो भी खरीद लूँ ये भी होना चाहिए मैं एक हूँ मेरी तीन तीन मेरे पास स्कूटी भी होनी चाहिए मेरे पास बाइक भी होनी चाहिए मेरे पास कार भी, भी होनी चाहिए नहीं ऐसा नहीं इन चक्करों में नहीं पढ़ना चाहिए तो ये हमें बताया गया है इसमें अब इसमें कॉमेंट हम क्या देंगे जैनिज्म ऑफर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव एथिकल फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स पीस टॉलरेंस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट द प्रिंसिपल्स ऑफ अनेकांतवदा एंड अपरिग्रह इनकरेजेस ओपन माइंडनेस एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल वेलबींग अगर हम बात करें कि ऑल इन ऑल इसमें हम क्या समझते हैं तो जर्निज्म क्या ऑफर करता है हमें एथिकल फ्रेमवर्क हमें ऑफर करता है जो किस चीज को प्रमोट करता है पीस शांति ओम शांति ऐसे है है ना ना एक दूसरे के प्रति क्या होनी होनी चाहिए चाहिए सहन शक्ति हो कि दूसरा कुछ बोल रहा है मन में लग रही आग कि इसने कैसे बोल दिया मैं जो बोल रहा हूं सही है इसका कहना मुझे सही नहीं लग रहा अरे नहीं भाई उसका तरीका भी उसका परसपेक्टिव भी सही हो सकता है है ना ने बोला अपने अकॉर्डिंग आंसर 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 करो आपने कर आपको दूसरों के में गुस्सा आ रही कि मैंने जो करा वही सही ये कैसे बता रहे हैं अरे वो उसका तरीका उसने, जो सोचा उसके वो कर तो एक दूसरे के प्रति क्या रखनी चाहिए बढ़ावा देता है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में है ना आध्यात्मिकता करो डेवलप करो विकास करो उसका द प्रिंसिपल एंड अपरिग्रह इनकरेजेस ओपन माइंडनेस एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल ये किस चीज़ पे बिलीव करता है किस चीज़ को बढ़ावा देता है कि आप खुले विचारों के बनो है ना ब्रॉड माइंडेड बनो ना ब्रॉड माइंडेड इंसान कभी भी दूसरे की ओपिनियन को कभी भी वो नहीं करता इंसल्ट नहीं करता डिसरिस्पेक्ट नहीं करता वो बोलता है ठीक है अच्छा आप ऐसा कह रहे हो ठीक है सही है सुनता है वो रिस्पेक्ट करता है साथ में किस चीज़ को इनकरेज करा है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अरे मटेरियलिस्टिक चीजें खरीदोगे जबरदस्ती जब कपड़े हैं और और खरीदोगे तो आप रिसोर्सेज को क्या कर रहे हो हार्म पहुंचा रहे हो रिसोर्स कंजर्वेशन पे फोकस करना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना चाहिए मतलब अभी आप चीजों को कर रहे हो आप रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो आपको फ्यूचर जनरेशन के भी तो बचाना है तो इस चीज पर भी इनका फोकस है तो जो नेचर के लिए भी अच्छा है कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बोथ पर्सनल एंड सोसाइटल वेलबींग किस चीज पर फोकस है खुद का तो आप ग्रो कर ही रहे हो खुद के तो ग्रोथ आप हुई रहे हो कर रहे हो सोसाइटी के लिए समाज के लिए भी ग्रो करो समाज को भी उठाओ ठीक है क्लियर चल तो अच्छी बातें नहीं बट फिर भी चलो चलो अच्छी अच्छी बातें तो सीख ली क्वेश्चन एंड डिस्कस इन क्लास एंड्रे बिटेली बिटेली के थॉट है ना जो फोक और ट्राइबल ट्रेडिशन और जो हमारे हिंदुएज में इनके बीच के कनेक्शन को लेकर है क्या थॉट है उनको हम डिस्कस करेंगे क्लास में चलो डिस्कस करते हैं। एंड्री बिटेली थाट द थाउजेंडस ऑफ कास्ट एंड ट्राइब्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैव इन्फ्लूएंस्ड ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिस सिंस द बिगनिंग ऑफ हिस्ट्री एंड बिफोर जो बता रहे हैं एंड्री कि जो थाउजेंड्स ऑफ कास्ट है ना जो इतनी हज़ारों की तादाद में हमारे पास कास्ट है है ना जाति पाती है जनजातियाँ हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हैव इन्फ्लुएंस्ड ईच अदर इन देयर रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसज सिंस बिगनिंग ऑफ द हिस्ट्री एंड बिफोर मतलब जब से इतिहास की शुरुआत हुई या उससे भी पहले से तो ये जो ट्राइबल पीपल की हम बात करें या जो नॉर्मल कास्ट नॉर्मल लोग की बात करें तो इन्होंने इनके रिलीजियस बिलीफ और कल्चरल बिलीफ को इन्फ्लुएंस करा है मतलब दोनों का एक दूसरे पर प्रभाव रहा है है ना हम लोग और ट्राइबल पीपल हमारे रिलीजियस बिलीफ कल्चरल बिलीफ में एक दूसरे के लिए प्रभाव रहा है दैट दी ट्राइबल रिलीजन्स हैव बीन इंफ्लुएंस बाई हिंदू इज इज वाइडली एक्सेप्टेड बट इट is equally true that hinduism not only in its formative phase but throughout its evolution has been influenced by tribal religions ye jo tribal religions hai na have been influenced by hinduism tribal religion mein है ना जो tribal लोग हैं उनके धर्म कर्म की चीज़ों में उनके cultural ki, culture की चीज़ों में Hinduism का भी impact रहा है प्रभाव रहा है वाइडली एक्सेप्टेड माना गया है बट इज़ इक्वली ट्रू दट हिंदू इज नॉट ओनली इन इट्स फॉर्मेटिव फेज बट थ्रू आउट द एवोल्यूशन हैज़ बीन इन्फ्लुएंस बायी ट्राइबल रिलीजन्स मतलब हम सिर्फ यही नहीं कहेंगे कि ट्राइबल पीपल की लाइफ में रिलीजियस लाइफ या कल्चरल लाइफ में हिंदूज्म का प्रभाव रहा है नहीं इवन हिंदूइज्म में भी उतना ही बराबर प्रभाव चाहे शुरुआती तौर पर कहे या चाहे थ्रू आउट दी जो प्रोसेस चल रही है ट्राइबल पीपल का ट्राइबल कल्चर ट्राइबल बिलीफ्स ट्राइबल रिलीजियस बिलीव्स की हम बात करें तो इनका भी प्रभाव हमारे धर्म में रहा है हिंदुज्म में रहा है मतलब दोनों का एक दूसरे के धर्म कर्म या रिचुअल या हम बात करें कल्चरल चीज़ों की बिलीव्स की एक दूसरे पर इम्पैक्ट रहा है डिस्कशन पॉइंट्स जैसे डिस्कशन पॉइंट्स क्या है म्यूचुअल इन्फ्लुंस एंड्री बिटेली हाईलाइट्स द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन हिंदुज्म एंड ट्राइबल रिलीजन इन्होंने किस चीज़ पर फोकस करा कि दोनों का बराबर एक दूसरे पर प्रभाव है है ना अगर हिंदुज्म का ट्राइबल पीपल पर है तो ट्राइबल पीपल का भी हिंदुज्म पर प्रभाव है रेसिप्रोकल दिस इंटरेक्शन हैज़ लेड टू द एनरिचमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस एंड बिलीफ इन इंडिया ये जो इंटरेक्शन है किस चीज़ को बढ़ावा देता है लीड्स टू द एनरिचमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस है ना ये जो धार्मिक चीज़ें हैं जो धार्मिक प्रैक्टिसज हैं इन चीज़ों को क्या देता है ये बढ़ावा देता है दूसरों की रिस्पेक्ट कर रहे हो यानी आपको क्या पसंद कर रहे हो आप डाइवर्सिटी वैरायटी हो रही है ऐसा नहीं कर रहे कि अरे यार इनकी चीज हम क्यों सीखें हमें क्या करना इनका तो कुछ अलग ही है नहीं उसको सीख रहे हैं उसको समझ रहे हैं उससे कुछ अच्छा सीख रहे हैं ग्रैब कर रहे हैं यानी हम किसको बढ़ावा दे रहे हैं डाइवर्सिटी को उसमें भी यूनिटी ठीक है कल्चरल एक्सचेंज द एक्सचेंज ऑफ डाइटीज रिचुअल्स एंड माइट्स बिटवीन एंड ट्राइबल हिंदूज्मीजन अ डायनेमिक कल्चरल इंटरेक्शन अब देवी देवताओं का एक्सचेंज है ना वो हमारे भगवानों को भी पूछते हैं हम भी उनके भगवानों की पूजा करते हैं अच्छी बात है हम उनकी जो रिचुअल रीति रिवाज हम भी कुछ फॉलो करते हैं कुछ हमारे रीति रिवाज वो भी फॉलो करते हैं बिटवीन हिंदूज्म एंड ट्राइबल रिलीजन्स ये सारे जो माइट ये जो डाइटीज रिचुअल इनका जो एक्सचेंज है दोनों के बीच में चला है चाहे हम बात करें हिंदुज्म की चाहे हम बात करें ट्राइबल रिलीजन्स की ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं डायनामिक कल्चरल इंट्रेक्शन क्या दिखाता है जो सांस्कृतिक जो कल्चरल इंट्रेक्शन कितनी वेराइटी है ना डायनामिक डायनामिक मतलब आप ये समझ सकते हैं बहुत वेराइटी फॉर इंस्टेंस मेनी ट्राइबल डाइटीज है जैसे बहुत से ट्राइबल डाइटीज हैं ना जो आदिवासियों के देव देवी देवता हैं उनकी पूजा हिंदूज्म में की जाती है ऐसे हिंदूज्म के देवी देवता है हिंदू के उनकी पूजा ट्राइबल वाले ट्राइबल ग्रुप वाले भी करते हैं ट्राइबल रिलीजन के लोग भी करते हैं तो कल्चरल एक्सचेंज इवेल्यूशन ऑफ बिलीव्स दिस था अंडरस्कोर्स दूशनरी नेचर ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन ये जो थाट है किस चीज पर फोकस करता है जो धीरे धीरे इवॉल्व हुई हुई चीजें है, है ना रिलीजियस ट्रेडिशन कैसे इवॉल्व हुए हैं एज सोसाइटीज इंटरेक्ट देअर बिलीव सिस्टम अडाप्ट एंड इनकॉर्पोरेट न्यू एलिमेंट लीडिंग टू मोर इंक्लूसिव एंड वेराइट कल्चरल हैरिटेज मतलब जैसे जैसे समाज ग्रो हुआ सोसाइटी ग्रो हुई है ना कुछ इनसे इन्होंने सीखा कुछ हमसे इन्होंने सीखा क्या चला थ्रू आउट द प्रोसेस रवोल्यूशन चल रही है ना एक दूसरे से क्या कर रहे हो आप आपके बिलीफ एक्सचेंज कर रहे हो ठीक है लीडिंग टू अ मोर इंक्लूसिव एंड वेराइट कल्चरल हेरिटेज जिसके कारण क्या दिख रहा है भाई इंक्लूसिव है इंक्लूडिंग लग रहा है आपको कि भाई वो आपकी चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं मतलब वही आपके बिलीव्स आपके देवी देवता आपके रीति रिवाज है ना आपकी परंपराएं कुछ ट्राइबल रिलीजन भी एक्सेप्ट कर रहे हैं मतलब अडाप्ट कर रहे हैं कुछ इनकी चीज़ें आप भी अडाप्ट कर रहे हैं तो ऐसा इन्फ्लुएंस आपका दोनों का रहा है और वो अभी भी चल रहा है पहले भी था और अभी भी है जितना उनका है उतना हमारा भी है दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर बराबर है नहीं कहेंगे ठीक है चल क्वेश्चन फिफ्टीन एक्सप्लेन अ फ्यू सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धि ब्रीफली कमेंट अपॉन दैम कुछ जो सेंट्रल आइडियाज है बुद्धिज्म के वो हमें एक्सप्लेन करने हैं और उन पर फिर से ब्रीफली छोटा सा हमें कमेंट भी करना है जैसे जैनिज्म का देखा था ना हमने जैनिज्म के आइडियाज फिर उस पर हमने कमेंट भी करा था एंड में है ना कि हमें बताना क्या चाह रहे हैं तो ऐसे ही बुद्धिज्म का हमें बताना है ठीक है चलो सेंट्रल आइडियाज ऑफ बुद्धिज्म फोर नोबल ट्रुथ चार जो सत्य हैं दुख सफरिंग लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड डिसटिस्फेक्शन जो सच सत्य है जीवन का क्या है कि जिंदगी फुल ऑफ सफरिंग है जो हमारी लाइफ है हमें बस सफर ही करते रहना है और हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे ट्रू दैट हम बोलते हैं ना कि अरे वाह इतना अच्छा जैसे आ, इतनी अच्छी जॉब लग जाए है ना इतनी अच्छी जॉब लग गे? नहीं उस कुछ कुछ टाइम बाद कुछ दिन अच्छा लगेगा फिर लगेगा अरे यार और और अच्छी हम सेटिस्फाइड नहीं होते हम सेटिस्फाइड नहीं होते हमारा मन अशांत रहता है विचलित रहता है अरे यार अब क्या करें क्या होना चाहिए और अच्छा और अच्छा उसका इतना अच्छा है चीजें मुझे भी वैसा करना है चलो उसके जितना हमने भी कर लिया फिर भी हम अशांत थे कि और अच्छा होना चाहिए तो हम सफर कर रहे हैं सफरिंग है ना जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार अब ऐसा हो जाए मैं ये खरीद लूँ ना तो बस सारी टेंशन दूर नहीं वो खरीद भी लोगे उसके बाद फिर और कुछ ये रहता ही है समुदाय कॉज ऑफ सफरिंग अब ये तो सफरिंग है सफरिंग का कॉज द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड अटैचमेंट सफरिंग का कॉज क्या है इच्छाएं इच्छाएं खत्म नहीं होती अटैचमेंट ये जो लगाव रहता है ना आपको अपनों से दोस्तों से है ना आपकी फैमिली से आपके अपने क्लोज लोगों से तो यही अटैचमेंट ये क्या कर देता है इसी कारण आप सफर करते रहते हो अगर आप सच में लगता है ना कि ठीक है अभी है कोई बात नहीं क्या भरोसा थोड़ी देर बाद चला जाए पर वही है ना हम इतने अब, नहीं है ना इतने प्रैक्टिस बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन इतने ज़्यादा वो होते तो बात ही कहती इतने अगर अच्छे होते इतना सेल्फ डिसिप्लिन होता इतनी कंट्रोलिंग होती तो फिर बात ही कहती लेकिन अगर आ जाए तो हमें पता है कि चलो ठीक है आज ये इंसान हमारे साथ है कल नहीं हो तो फर्क ना पड़े ठीक है जाने तो जाता है तो कोई बात नहीं लेकिन नहीं हम रोते रहेंगे अफसोस मनाते रहेंगे ठीक है इवन हमारे फैमिली मेंबर किसी की डेथ हो जाती है हमारे क्लोज रिलेटिव किसी का कुछ हो जाता है हमारे फ्रेंड चले जाते हैं जैसे अब्रॉड चले गए या दूसरे कॉलेज चले गए हमें बुरा लगने लगा था कि अरे तो शहर के बाहर चला गया मेरा दोस्त था तो बस बुरा लगता रहेगा कुछ दिन लगता है अटैचमेंट होती है डिजायर भी होती है कि ये खरीद लिया वो चीज़ भी चाहिए है ना तो ये कॉज है सफरिंग का निरोध एंड ऑफ सफरिंग सफरिंग का एंड इट इज़ पॉसिबल टू एंड सफरिंग बाय ओवरकमिंग डिजायर एंड अटैचमेंट हम सफरिंग को ख़त्म कर सकते हैं उससे ओवरकम कर सकते हैं उसको उससे लड़ सकते हैं कैसे अगर हम अपनी इच्छाओं और अपने अटैचमेंट पर क्या कर लें काबू कर लें है ना उनसे ओवरकम कर लें सरपास कर लें कि नहीं कोई बात नहीं नहीं है मेरे पास फ़ोन अच्छा कोई दिक्कत नहीं है जब ज़रूरत लगेगी तब की तब मैं दूसरों की तरह देखा देखी नहीं लूंगा है ना ये बहुत बड़ी बात है चलो ठीक है मेरा दोस्त आज मेरे साथ है कल वो चला जाएगा बाहर अब्रॉड फिर हम जो घूमते थे चाय वाय पीते थे वो हो नहीं पाएगा ठीक है कोई बात नहीं वापस तो कभी ना कभी मिलने आएगा ऐसा सोचेंगे लेकिन ऐसा हो नहीं पाता हमें लगता है अटैचमेंट रहती है मागा पाथ टू एंड सफरिंग क्या पाथ है क्या रास्ते को हम अपनाएं कि हम अपनी सफरिंग को एंड करें द वे टू एंड सफरिंग इज़ द एट फोल्ड पाथ अगर हमें सफरिंग को खत्म करना है ना तो एट फोल्ड पाथ को अपनाना पड़ेगा ठीक है चलो एट फोल्ड पाथ राइट अंडरस्टैंडिंग सही समझ अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ रियालिटी एंड दाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम समझ जाए कि यही सच है रियालिटी तो यही है भाई ये तो होना ही है, है ना हमें पता ही होना है, फिर भी हम उस चीज में उस लालच में वो चीजें चलाते रहते चलाते रहते हैं कि कभी ना कभी तो जाना ही है कभी ना कभी तो खराब होनी है चीजें खत्म होनी है लेकिन फिर भी हमारा इतना अटैचमेंट रहता है अगर हम समझ जाए कि कोई बात नहीं कभी ना कभी तो उसको जाना ही है ना तो राइट ऑफ अंडरस्टैंड राइट टू अंडरस्टैंडिंग और पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हमें फिर ट्रांसफॉर्म करना है अगर वो हो जाए तो कितनी अच्छी बात है राइट right इंटेंशन सही नियत कमिटमेंट टू एथिकल एंड मेंटल सेल्फ इंप्रूवमेंट अगर हम सही वो नियत रख ले खुद के लिए हमें कमिटमेंट कर लें कि हमें भाई कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है आ रहा है कोई जा रहा है ठीक है लेकिन हम किस चीज़ पे ध्यान देंगे हमारा ध्यान तो हमारे लिए ही रहेगा कि हम अच्छे काम करेंगे है ना कि कोई छोड़ के चला गया तो दुश्मनी पालनी नहीं ऐसा कुछ नहीं है ना अच्छे काम करेंगे और खुद को इंप्रूव करेंगे ठीक है वो होगा अच्छा हम खुद को इंप्रूव करेंगे राइट right स्पीच सही बोलना सच बोलना स्पीकिंग ट्रूथफुली एंड काइंडली भाई दया भाव से और सत्यता से बोलना राइट लाइवलीहुड अर्निंग अ लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स इस तरीके से लाइवलीहुड चलाओ जीवी का चलाओ है ना कि दूसरों को हार्म ना करो पता चले कि दूसरे की नौकरी खा के बैठे हो है ना ऐसी चालाकी करी कि बेचारा जो मेहनत से कर रहा है उसको हटवा दिया और उसकी जगह खुदा आ गए तो नहीं हार्म नहीं पहुँचाना ऐसी दिक्कत नहीं देनी और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें सिर्फ ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया राइट एफर्ट कल्टिवेटिंग पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड फ्रीजिंग फ्री इंग सेल्फ फ्रॉम नेगेटिव स्टेट मतलब कैसा रखना चाहिए अपने दिमाग को जितना पॉजिटिव सोचोगे ना सही बात है आपके सिर्फ दिमाग से ही होता है जो होता है अगर पॉजिटिव सोच लिया तो सच में पॉजिटिव ही लगेगा नेगेटिव सोचोगी तो नेगेटिव होगी होगी चीजें स्कूटी चलाओ गाड़ी चलाओ जरा आप सोचोगे ना अरे अरे यार अभी मैं मुड़ते मुड़ते कहीं गिर ना जाऊँ ये ना हो जाए तो सच में गड़बड़ हो ही जाएगी कॉन्फिडेंट रखोगे कॉन्फिडेंस रखोगे कि भाई भी भीड़ में भी धीरे धीरे चला रहे मैं अपना ही बता रही हूँ है ना पहले मैं बहुत डरती थी मैंने दो तीन बार कितने बार स्कूटी सीखी पर हमेशा चला ही नहीं पाती क्योंकि डर अरे निकली तो लग ना जाए मोड़ते टाइम दिक्कत आएगी अब ये रोड आएगा सब अरे एक दिन फिर मेरे भाई ने कहा चला तू चला वो पीछे बैठ गया कहीं भी तो जो कॉन्फिडेंस आया ना चला ज़्यादा सोच मत बस चला लेगी तो उसने उसका कॉन्फिडेंस मुझ पे था बताओ है ना चला लेगी चला लेगी तो तब से चला दी तो चला ही रही हूँ तो पॉजिटिव माइंड मतलब आपने नेगेटिव थॉट्स को हटाया कि कर लेंगे तो भाई कर ही लेंगे तो वो भी जरूरी है ठीक है राइट माइंडफुलनेस डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ द बॉडी फीलिंग्स एंड ऑफ माइंड अगर आप ये अवेयरनेस डेवलप कर लो किस चीज को लेके सेंसेशन को लेके है ना फीलिंग को लेके और आपके स्टेट ऑफ माइंड अरे आज आपको कैसा लग रहा है आपके दिमाग में कैसी आपकी अभी हालत कैसी है कैसी आपके अंदर फीलिंग्स आ रही सेंसेशन है उसको समझ लो उसको काबू कर लो राइट कॉन्सेंट्रेशन डेवलपिंग द मेंटल फोकस नेसेसरी फॉर दिस अवेयरनेस राइट right कॉन्सेंट्रेशन आपका जो मेंटल फोकस है, है है ना मेंटली आप फोकस रहो ये बहुत जरूरी जो सारी चीजें है ना ये जब ही हो सकती है जब आप मेंटली फोकस रहोगे अगर आपने अगर आपका दिमाग इधर उधर जा रहा है बोलते हैं ना कि दिमाग क्या करता है मन जो है इधर उधर भागता है मन भागेगा अरे यार मुझे वो चीज चाहिए मन को पकड़ के लाओ मन फिर भागेगा कि अरे यार मुझे वो चाहिए था पर मैं यहाँ पढ़ने बैठा हूँ मुझे घूमने जाना था मेरे दोस्तों के साथ देखो सब घूम रहे हो मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ मेरा एग्जाम है तो पकड़ के लाओ फिर से मन भागेगा अरे जब तक प्रैक्टिस करते रहो जब तक मन आपके काबू में ना आ जाए जैसे ही मन आपके काबू में आ गया माइंड कंट्रोल में आ गया तो बस वही आपकी जीत है जो इंसान अपने दिमाग को काबू नहीं कर सकता जो अपनी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग चलता है कि किसी ने वो भी एक्सटर्नल फीलिंग कि किसी ने गुस्सा कर दिया तो बस अपना काम छोड़ के बैठ गए किसी ने तारीफ़ कर दी तो वाह क्या बात है जो इंसान दूसरों के बातों के अकॉर्डिंग इन बातों से इन्फ्लुएंस होकर चाहे वो आपसे चिड़े गुस्सा करे प्यार करे अच्छी बातें करे उसके बेसिस पर अगर आप कुछ एक्शन कर रहे हो तो आप किसी कोई मतलब नहीं है फिर आप खुद का दिमाग यूज करो है ना तो वो चीज़ें हमें बताई गई है निर्वाणा द अल्टीमेट गोल इन बुद्धिज्म रिप्रेजेंटिंग द एंड ऑफ सफरिंग एंड दी साइकिल ऑफ रीबर्थ निर्वाण हमें क्या बताता है अल्टीमेट गोल जो है बुद्धिज्म का जो क्या रिप्रेजेंट करता है सफरिंग का एंड है ना अंत जो हम सफर कर रहे हैं जो तकलीफ में उसका अंत एंड दी साइकिल ऑफ रीबर्थ रीबर्थ की साइकिल अचीव थ्रू द रियलाइजेशन ऑफ ट्रुथ अबाउट लाइफ अगर हम क्या अचीव कर लें है ना जो सच है जिंदगी का सत्य उसको अचीव कर लें उसको रियलाइज कर लें कि क्या होता है सत्य उसको समझने तो यही है बुद्धिज्म ऑफर्स अ प्रोफाउंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमन एक्जिस्टेंस एंड प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल पाथ फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन बुद्धिज्म हमें ऑफर करता है एक अंडरस्टैंडिंग है ना अंडरस्टैंडिंग कि भैया अगर हम इस दुनिया में हैं तो क्यों तो हैं हमारा एग्जिस्टेंस इस दुनिया में किस पर्पज के लिए हम अगर आए हैं इस दुनिया में तो क्या पर्पज़ सर्व करने हैं उसको समझाने में मदद करता है और प्रोवाइड करता है प्रैक्टिकल फा फॉर पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम दुखी हैं नेगेटिव सोचते हैं है ना अटैच्ड हैं डिज़ायर से भरे हुए हैं गुस्सा बहुत आता है तो हमारे पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अच्छा बनाने के लिए है ना नेगेटिव से पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में लाने के लिए बुद्धिज्म क्या करता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है है ना मतलब ये हमें इस तरीके की टीचिंग्स देता है तो सही बात है क्लियर हो गया कितनी अच्छी अच्छी बातें सीखी ना मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है अब <laughs> है ना मैं भी इंसान हूँ मुझसे भी गलतियाँ होती हैं ऑब्वियसली मैं जितनी अच्छे से चीज़ें बता रही हूँ कोशिश पूरी करती हूँ लेकिन कहीं ना कहीं हम लैक कर जाते हैं सत्य बात यही है इसीलिए माइंड को कंट्रोल करना इज़ अ वेरी बिग डील मैं तो यही कहूँगी सो so, इसी के साथ भाई हमारा ये जो लास्ट क्वेश्चन है एंड होता है हमारे पूरे एम आई क्यूज एंड होते हैं आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रीन्स के यूट्यूब चैनल एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं ई e नोट्स और ई e बुक्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है ये सारे हाई क्वालिटी के कोर्सेज जैसे कि सी बी बोर्ड डेली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स स्पोकन इंग्लिश कोर्सेस अच्छी क्वालिटी में और हंड्रेड फ्री अवेलेबल है है। आप हमें सारे के सारे प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं जैसे कि यूट्यूब फेसबुक इंस्टा एक्स और व्हाट्सएप पर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले अपना ख्याल रखें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग